सिवान जिले के लौड़ी कौड़िया गांव प्रखंड भगवानपुर हाट में नहर में ज्यादा घास एवं मिट्टी भरने के कारण वहां के किसानों के खेतों में पानी भर जाती है, जिसके कारण जो भी फसल बोते हैं एक भी फसल नहीं ले पाते हैं। यहां लगभग 500 किसान इस समस्या से प्रभावित हैं। यहां आपको क्या दिक्कत है? यहां पे हम लोग के पास जो नहर है इसकी सफाई पूरी तरह से हो नहीं पा रही है, जिसकी वजह से कोई फसल हम उगा नहीं पाते हैं, जैसे धान हुआ, गेहूं हुआ, मक्का हुआ। क्यों नहीं उगाते हैं, क्या कारण है? क्योंकि नहर जो है पानी टान नहीं पाता है। कुछ दिन पहले इसका सफाई हुआ था 2007 में आपका, फिर भी यहाँ पे जल जमा बहुत काफ़ी हो गया है, जंगल भर चुका है, जिसके वजह से पानी नहीं निकल पाता है। चाचा जी, आपका भी फसल डूबा है क्या? हमारा तो बहुत ज़्यादा डूबा है सर, हमारा बहुत ज़्यादा डूबा है पानी में, काटने नहीं पाते हम लोग। तो कैसे खाते पीते हैं? दूसरे गांव में जाके बूढ़ा आदमी खट कर ले आते हैं तो बाल बच्चे को खिलाते हैं, क्या करें। कितने दिनों से होता है? या 8-10 साल से यही हो रहा है सर। तो आपने इसके लिए कुछ किया क्या अभी तक? इसके लिए तो हमने बहुत आवेदन दिया आपका, ये योजना आपके DPR में भी आया था, PRS वो भी DPR में नोट कराए थे, लेकिन इसकी सफाई नहीं हो पाई है और ना मुखिया जी कुछ सहयोग करते हैं, जिसकी वजह से ये अभी तक काम रुका हुआ है, ना हो पाया। तो आप क्या चाहते हैं बाबा जी? हम लोग सोचते हैं जो पानी का निकासी कर दे तो अच्छा है, हम लोग का कुछ राहत मिलेगा, सुविधा हो जाएगा, फसल उपजाएंगे, खाएंगे। मैं चाहती हूँ कि यहाँ जो भी नहर में मिट्टी एवं घास जमा है उसको निकाली जाए, ताकि यहाँ के किसानों का खेती बढ़िया से हो सके और यहाँ जल जमाव ना हो सके और रास्ता बाधित ना हो सके। इसमें आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं। सिवान जिले के चीफ इंजीनियर संजय माझी को कॉल कर, जिनका मोबाइल नंबर 9472642355 पर कॉल कर हमारी मदद कर सकते हैं, दबाव बना सकते हैं। मैं ज्ञानती कुमारी, सिवान जिला से, इंडियन हट के लिए।